तो गाइस यार आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ वापस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा पबजी मोबाइल के अंदर जंगल मोड आ चुका है। तो गाइस उससे रिलेटेड जो है पबजी मोबाइल के अंदर एक नया इवेंट आया है जो कि लॉस्ट ट्रेजर नाम का। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, तो उस इवेंट पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे और गाइस आपको एक आउटफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस अगर आप उसको कलेक्ट करना चाहते हो तो आज की इस वाले वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना। तो चलिए आपका टाइम बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं उस इवेंट को हम किस तरीके से कम्प्लीट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे पबजी को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद नीचे आपको बैनर शो हो रहा होगा, जैसे आप उसके ऊपर टैप करोगे कुछ इस तरीके से खोलकर आ जाएगा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये जो इवेंट है उस इवेंट का नाम है लॉस्ट ट्रेजर। तो गाइस ये जो इवेंट है वो जंगल मोड से रिलेटेड है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं हम इस इवेंट को किस तरीके से कम्प्लीट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो इवेंट है वो कितने दिनों तक चलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो इवेंट है वो 1 तारीख को आया है और अगले 14 तारीख तक चलने वाला है। तो इसके अंदर तक आप सारे के रिपोर्ट को जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम चलिए जान लेते हैं कुछ जो कि इवेंट के रूल्स के बारे में। तो गाइस ये जो इवेंट का रूल्स है मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ लेना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इस इवेंट को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो आपको लेफ्ट साइड की तरफ एक लॉस्ट ट्रंक नाम का है जो कि बक्सा आपको शो हो रहा होगा। तो गाइस अगर आपके पास ये होता है तो आप जो इसको ओपन कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ सेकंड लोड ले रहा है, उसके बाद ओपन हो जाएगा। जो कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुका है और मुझे जो है एक जो कि शर्ट मिल चुका है, जो कि गाइस ये जो शर्ट है वो लिमिटेड है, 1 दिन के लिए आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास ये जो लॉस्ट ट्रंक अगर आपके पास होता है तो आप अगर जब भी इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगे। तो अगर आपके पास ये जो पजल्स होता है जो कि यहाँ पर गाइस आप लोग देख सो, अगर आपके पास पूरा पजल्स हो जाता है जो कि ऊपर जो आप लोग देख सो, अगर पूरा पजल आपके पास हो जाता है और ये जो हेलमेट का जैसा कुछ है आप लोग देख सो, अगर आप ये जो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये जो जो कि टी शर्ट है वो आपको पूरा आपको परमानेंटली मिल जाएगा। और गाइस नहीं तो आपको बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड भी मिलेंगे जैसे कि आप लोग देख सो एजी करेंसी, बीवी पॉइंट और बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे जो भी यहाँ पर आप लोग देख सो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको लॉस्ट ट्रंक को किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सेनोक मैप के अंदर जंगल एडवेंचर मोड आ चुका है। तो गाइस जब भी जंगल एडवेंचर मोड लगता है तब आपको पता होगा कि एक लोकेशन, वैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना। तो गाइस आपको वहाँ पर जाना है, तो जाकर आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे स्टैचू देखने को मिलते हैं। तो गाइस स्टैचू के सामने जाकर आपको प्रे करना पड़ेगा। तो जैसे प्रे कर लोगे तो करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि आपको हेल्थ किट मिल सकता है और गाइस बहुत बार आपको ये जो लॉस्ट ट्रंक है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको इसको कलेक्ट कर लेना है। तो गाइस और एक चीज़ मैं आप लोग को बताया तो कि ये जो लॉस्ट ट्रंक है, अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपको एक ही गेम के अंदर दो दो लॉस्ट ट्रंक मिल जाता है तो आप जो एक ट्रंक को अपने दोस्त को दे सकते हो। तो गाइस अगर मान लीजिए अगर आपके पास दो भी ट्रंक होता है तो आपका जो काउंट किया जाएगा एक ही काउंट किया जाएगा, अगर आपके पास दो हो जाए तो आप अपने दोस्त को दे सकते हो। तो अगर गाइस आप डेली के गेम खेलते हो, गेम खेलने के बाद अगर आपके पास लॉस्ट ट्रंक हो जाता है तो गाइस ये जो ट्रंक है आप इसको डेली की जो है ओपन कर सकते हो। डेली ओपन करने के बाद गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकता है। और गाइस अगर आपके पास पजल हो जाता है पूरा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सो ये जो शर्ट है आपको फ्री में मिल जाएगा वो भी परमानेंटली। और गाइस अगर आप इस लॉस्ट ट्रंक को कलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए जो कि गाइस आपको सिर्फ सेनोक मैप ही खेलना होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको एरेंगल मोड के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस आपको एरेंगल मोड के अंदर मिलेगा, वो भी आपको जो एयर ड्रॉप है उसके अंदर आपको मिलेगा, ऐसे आपको रेंडम नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इसके लिए जो कि गाइस आपको सिर्फ सेनोक मैप को खेलना होगा। वैसे सेनोक मैप पे बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर आपको रेंडम ही मिल सकता है, तो इनको गाइस आप कलेक्ट कर सकते हो। और कलेक्ट करने के बाद गाइस इसको आकर यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। तो ओपन करने के बाद गाइस आपको बहुत सारे चीज़ें मिल सकता है, तो उनको गाइस आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इवेंट को कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इस इवेंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आई होप आप लोग को आज का वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। अगर गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।